पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के कई जिलों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत कोलकाता के प्रभु जेसर गिरजा, मौलाना आजाद कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन, मदरसा आलिया, मुस्लिम इंस्टीट्यूट के पास जितनी झोंपड़ी है, कई संस्थानों ने ताल तल्ला थाने में जाकर डेप्यूटेशन दिया और जल्द से जल्द झोंपड़ी और फुटपाथ में अवैध कब्जों को हटाने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर क्या और कहा गया, आइए जानते हैं। हमारे दर्शकों को दिखाएं पेपर। मैं तनवीर अहमद खान मौलाना आजाद कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2022 से कंटिन्यूसली काउंसिलर को और मेयर को हम लोगों ने लेटर दिया कि यहाँ पे ज़्यादा इंस्टीट्यूट सना अहमद और इंद्रानी बनर्जी दोनों को दिया है कि यहाँ का मामला थोड़ा देखिए, बहुत गंदगी है। गंदगी इन द सेंस, आप छोटा बच्चा जा रहा है स्कूल, कलकत्ता मदरसा कॉलेज है उसके बगल में, आपका मुस्लिम इंस्टीट्यूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एकदम गंदगी है। प्रभु जो गिरजा है वहाँ पे फादर परेशान है, वो लोग झोपड़ी बना के रह रही हैं, वो लोग करते क्या हैं वहाँ पे, लेटरिन करने का है नहीं, पोटी बना के पीछे फेंक दिया जाता है जहाँ पे वो लोग प्रेयर कर रहे हैं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के सामने में एक और गेट है उनका, प्रभु जी गिरजा घर का, वहाँ पे रोड पे, नॉट फूड, रोड पे दुकान है। अभी आप जाएंगे तो देखेंगे बाजाबते इलेक्ट्रिसिटी के साथ, कैंपाकोला का वहाँ पे वो भी चल रहा है। तो ये एक तरह से 2022 से चल रहा मामला 2024 आ गया, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आया। और ममता बनर्जी को क्या सूझी कि सारे जगह को सफाई कर रही है, यहाँ पे नहीं। तो हो सकता है शायद हम लोगों को, मुसलमान को इलाका ज़्यादातर हम लोगों का यहाँ पे इसी तरह का है, तो रहने दो इनको, इसी तरह रहने दो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कंटिन्यूस हम लोग ये कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी किया था एक बार हम लोग प्रभु गिरजा चर्च में, और सही से, और रोड को एकदम माने ये कर लिया गया है। आप गाय पाला जा रहा है तो कोई जूस की दुकान किया हुआ है रोड पे, वो भी तो ये तो नहीं चलेगा ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल है, बच्चे स्कूल से आते हैं वहाँ पढ़ते हैं, वो ये देखेंगे, प्लस गांजा बिक्री होता है वहाँ पे। मौलाना आजाद कॉलेज हॉस्टल है वहाँ पे, जस्ट कलकत्ता मदरसा कॉलेज के अपोजिट में, वहाँ पे जो है गांजा पीता है और अंदर घुस जाता है, सब तो रहते हैं अंदर में, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। ममता दीदी को देखना चाहिए, गांजा पे वहाँ नशीली दवा सब है, सिगरेट की दुकान है वहाँ पे, कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी काउंसलर को आगाह किया इस पर? हाँ किया, लेटर दिया हम लोगों ने, मीटिंग हुई है उनके साथ, वो बोली भी कि मेयर से बात करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ नहीं हुआ वो बताया नहीं। देखिए उनका ये भी एक है कि उन लोग कहाँ कहाँ क्या किया, लेटर दिखाए हैं वो लोग, ये लेटर कुछ दूसरे तरीके से हम लोग लिया, हम लोगों के पास मिलता नहीं, तो ये सब खाली कागजी कार्रवाई है, काम नहीं हो रहा है। और अगर काम इसी तरह से 15-20 दिन के बाद नहीं हुआ तो हम लोग फिर हाईकोर्ट जाएंगे, PIL करेंगे। आपको बोलना चाहिए, हम लोग जो चार्च है प्रे करते हैं, वो चार्च में एकदम पीछे से जाना से और लोग सब शुशु करता है, बहुत बहुत बुआता है, तो लोग को बहुत बात बोला, सुना ही नहीं है, कुछ सुना ही नहीं है। आदमी चार्च में जो जाएगा घर में, इधर गाड़ी उधर गाड़ी, और आदमी लोग गिर जाता है, तो इतना सुबह से पूरा हम लोग का गेट में पूरा गाड़ी देके भर रह जाते हैं। वो बहुत साल से हम लोग यहाँ 35 साल से आया, 35 साल से हम वही देख रहा है चर्च में इतना। आप लोगों ने काउंसलर को जताया? हमने सबको जाया, यहाँ पर आया, कॉर्पोरेशन धर्मतला चर्च, धर्मतला गया, धर्मतला चर्च का तो दो गेट है ना? हाँ दो गेट है, उधर भी एक ही है, एक वार्ड 62 में है, नहीं उधर भी दोनों गेट भी पास में ही है, और इधर तो आरो ज्यादा है, उधर भी कम थी है, इधर भी ज्यादा है, तो जाए तो ऐसे बहुत तकलीफ हो रहा है उधर। आप लोग कितने लोग आए हैं डिपुटेशन के लिए? हम तो ये जो सब है ये टाइम का बच्चा लोग सब स्कूल बहुत लोग है, चला गया अभी, अब उधर सब है, सब बहुत लोग है, पूरा चार्ज में सब ये हो रहा है। आप लोग वहीं के रहने वाली हैं? हाँ। आपका बिल्डिंग है वहाँ? हमारा ओली वाला लेल मस्जिद में, मस्जिद का सामने, चर्च के आसपास रहते हैं? हाँ, सब आदमी लोगों उधर गया उधर गया। उन्होंने कहा कि नशा वगैरह भी, नशीली दवाओं का सेवन करता है, सही बात है क्या? उधर कोते अभी गोरु है वहाँ पर, गोरु छागल सब वहाँ पर, शरबत का दुकान में सब उधर में ही होता है सब कुछ। हाँ साफ सफाई होना चाहिए, हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। अच्छा। हम लोग सुबह गिर जाते हैं, उन्होंने सो रहे थे उधर। अच्छा। संडे को हम लोग जा रहे हैं, उन्हें सो रहे हैं, हमको जाना, हम लोग को तकलीफ होता है। वही झोपड़ी वाली, सब झोपड़ी वाला सब सब सोता है, तकलीफ होता है। हाँ चर्च में जाने में तकलीफ होता है।
अच्छा। हम लोग चर्च में इतना कपड़ा डाल के रखते हैं, वो भी अच्छा नहीं है, देखने में बहुत बुरा लगता है। हाँ। हाँ। वो सब हटना चाहिए। इसका आप लोगों ने किया था वार्ड में? नहीं, हम लोग तो जानते हैं फादर जो कुछ करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे सबसे पहले जो रास्ता है वहाँ पे ऐतिहासिक स्कूल है, मुस्लिम स्ट्रीट है, आपका हॉस्टल है और अभी एक गर्ल्स हॉस्टल भी है। रहना अच्छा तो एक मुहावरा होता है, गरीब होना अच्छा है, गलीज होना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे इन लोग पहले बरसों से रहा, जब हम छोटा थे तब भी देखते थे। हालत ये है कि जो मूढ़ी का दुकान था अब वो बड़ा जूस का दुकान हो गया। जिस जूस वाला के साथ हम 2 रुपये का मूढ़ी खरीदते थे कॉलेज फर्स्ट ईयर में, आज वो जूस वाला का एक बड़ा जूस दुकान हो गया है। तो बताइए लोग इतना इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो यहाँ देश का क्या होगा। आप रहो छोटा, गरीब जिस तरह रहता वैसा रहो, लेकिन आप माने झोपड़ा का साथ आप परमानेंट दुकान कर रहे हो, दुकान के बाद बगीचा करोगे, तो आने जाने वालों का नुकसान ऐसे ही है। दीदी ने कहा है कि हॉकर को मत उठाओ, लेकिन जो जायज तरीके से वैसे ही डिपेंड रहो। आप लोग को उठाने नहीं बोले, लेकिन आप लोग दूसरों को तो तकलीफ मत दो। कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि आप पूरा उजड़ के चले जाओ, लेकिन आप लोग जो गंदगी फैला रहे हो, आने जाने का प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा जो स्कूल जा रहा है बड़ा सा स्कूल का जगह में आप लोग कपड़ा फैला रहे हो, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। आप लोगों को इस पर परहेज करना चाहिए। किसी ने कहा है कि हम पूरा एक्शन लेंगे। देखिए एक्शन लेंगे और एक्शन होना बहुत बड़ी बात है। इन लोग जितने साल से कर रहे हैं तो आज हमको मजबूरन इन लोगों के साथ देना पड़ा, क्योंकि हर कोई सोचेगा कि हो जाएगा। कहते हैं कि सब साथ होने से ही गंदगी दूर होता। आप देख लीजिए यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 53 है, वहाँ पे पूरा मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे पूरा हिंदू एरिया है। डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे कितना गंदगी फैला हुआ, वहाँ पे कितना गंदगी फैला हुआ, आपको खुद फर्क हो जाए। क्योंकि गंदगी हम लोग उठाना चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर गंदगी उठाना चाहते हैं तो हम खुद गंदगी नहीं करते, लोग खुद गंदगी में रहना चाह रहा है। आप रहो झोपड़ी बना के रहो, लेकिन सामने में तो दुकान मत करो, सामने में चेयर बैठा कर आप बैठ कर अड्डा तो मत मारो। अगर आपको बात करना है तो आप फ्रंट में आकर बात करो, हम लोग बात करना चाहते हैं आप लोगों से। हम लोग मैं तो गिरजा साहिब हूँ, फादर हूँ। गिरजे के दोनों साइड में झोपड़ी है, हम लोग को बहुत असुविधा हो रहा है पार्टन करने के लिए, उनमें बहुत चोरी होता है, बहुत कुछ होता है। सब कुछ समाधान के लिए हम लोग किसी के पास अभी मामदा ऑर्डर किया है, थोड़ा तड़ातड़ी एक्शन लेने से अच्छा होता। जहाँ तक अब पूछा उनको कुछ नहीं हुआ, अब बोला अभी कोशिश करूँगा, किंतु वो लोगों के हाथ में नहीं है, कॉपरेशन के हाथ में है, मैं कोशिश करूँगा बोला। पुलिस ने क्या किया कि कॉरपोरेशन जब ऑर्डर देगी उसके बाद ही होगा? हाँ नहीं तो नहीं हो सकता। हम लोग किंतु नया दूसरा झोपड़ी होने से हम लोग तोड़ सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग पार्टनर होता है बोले सब बहुत आवाज़ करता है, चोरी वो लोग चोरी करता है अंदर से, बहुत कुछ करता है। हम लोग गिरजा के सामने एकदम डर्टी झोपड़ी बना कर रखा है, और बाहर से लोग आता है वो लोग बोलते हैं कैसे गिर जाए, बहुत हम लोग में लज्जा होता है। कौन सा एड्रेस? 73।